अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपको स्टफ़ चीज़ी चटनी कबाब बनाना बताऊंगी। इसकी सबसे पहले मैं चटनी तैयार करूंगी। मैंने आधा कप हरा धनिया लिया है और आधा कप मैंने पुदीना लिया। दोनों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया। धोने के बाद मैंने उसको क्या नाम है हैंड ब्लेंडर में दोनों चीज़ें मैं डाल रही हूँ। साथ में मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें काट के डाली हैं, ठीक है। साथ उसके ये डालने के बाद इसमें मैंने जो ड्राई मसाले ऐड करूँगी मैं आपको 1 by 1 करके बताती जाऊँगी। हरा धनिया पुदीना 1 से 2 पानी से अच्छी तरह से धोइएगा। इसमें सबसे पहले भुना हुआ ज़ीरा जाएगा जो 1 teaspoon के करीब जाएगा। भुना हुआ ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, ठीक है। नमक हसबे जायका, मैंने इसमें तकरीबन 1 teaspoon से कम ही डाला था नमक, क्योंकि चिकन की कीमे वगैरह में भी नमक होगा। और चुटकी भर काला नमक जाएगा और हसबे ज़रूरत पानी के साथ। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, पतली चटनी नहीं करिएगा। पतली बहुत सारा पानी मत डाल के चटनी को पतला मत करिएगा। मुझे चटनी जो है काली थिक चाहिए। इसको हैंड ब्लेंडर से हम अच्छा बारीक पीस लेंगे। पीसने के बाद इसको हम एक प्याले में निकाल लेंगे। अभी देखिए चटनी मैंने रेडी कर ली है। अब मैंने ये कबाब जो बनाए हैं वो चिकन के कीमे से बनाए हैं, ठीक है। मैंने 1 किलो चिकन का कीमा लिया, उसमें मैंने 1 tablespoon अदरक लहसुन डाला, इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन डाला। आप चाहें तो चिकन के कीमे में हरी मिर्चें डाल के 2 हरी मिर्चें डाल के भी पीस सकते हैं, ठीक है। अदरक लहसुन डालने के बाद इसमें 1 से 1.5 teaspoon के करीब पीसी हुई काली मिर्चें, और जब काली मिर्चें आप फ्रेश पीस के डालिएगा तो टेस्ट ज़्यादा मज़े का लगेगा। नमक हसबे ज़रूरत, नमक हसबे ज़रूरत। मैंने वैसे इसमें नमक जो है 1.5 teaspoon के करीब मैंने डाला था, ठीक है। मगर आप अपने जायके के मुताबिक इसमें नमक शामिल कीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्चें 2 tablespoon, मैंने अभी इसमें 2 tablespoon कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें डालने के बाद इसमें मैं पिसा हुआ धनिया 1 teaspoon के करीब डालूंगी। पिसा हुआ धनिया डालने के बाद पिसा हुआ धनिया डालूंगी मैं इसमें, और साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला 1.5 teaspoon। अच्छा, इसमें चाट मसाला ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहें तो 1 teaspoon चाट मसाला डाल सकते हैं। और मैंने चाट मसाला डाला था, मगर मैंने थोड़ा बाद में डाला था क्योंकि मुझे सकर डाला, मैंने चाट मसाला इसमें शामिल किया मगर बाद में। मगर इसके साथ मैंने इसमें 1/2 teaspoon हल्दी शामिल की है। अब इन सब मसालों को अच्छी तरह से मैं मिक्स करके 1 से 1.5 घंटा इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ दूँगी। उम्मीद है मैं आपको जो रेसिपी बता रही हूँ आपके समझ में आ रही होगी। स्टेप बाय स्टेप आप मुझे फॉलो करते रहिएगा तो आप बनाएंगे तो आपको बहुत मज़े की लगेगी ये रेसिपी। कि मैंने अच्छी तरह से मसालों को मिक्स करने के बाद 1.5 घंटे के बाद मैंने थोड़ा सा हाथ को ग्रीस किया, कबाब का थोड़ा सा मिक्सचर लेके हाथ में फ्लैट किया और उसमें ये जो मैंने हरी चटनी बनाई थी वो रखी, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा स्टफ करने के लिए चीज़ डाल रखा है। आपकी मर्ज़ी, चीज़ डालना चाहें तो चीज़ डाल लें, नहीं तो आप खाली ग्रीन चटनी के साथ भी इस कबाब को बनाएंगे तो बहुत मज़े के ये रेडी होंगे। इस तरह से करके इसको मैं सीख कबाब की शेप में दबा के मैं इसको सीख कबाब की शेप में इसको मैं शेप दूंगी। शेप देने के बाद मैं इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी ताकि कबाब मेरे थोड़े से हार्ड हो जाए। मैं एक दफ़ा और आपको बता रही हूँ, कबाब को मैंने थोड़ा सा फ्लैट किया कि मिक्सर को, उसमें चटनी रखी, ऊपर से चेडर चीज़ डाली, और देखें मैंने दोनों साइड से इस तरह से करके मैंने इसको रोल किया। सीख कबाब की शेप दे लें, आप अगर चाहें तो शामी कबाब गोल सर्कल में बनाना चाहें तो गोल सर्कल में बना लें, जैसे दिल चाहे आप इसकी शेप दे सकते हैं। मैंने मसाले रेडी करने के बाद मैंने इसको अंडे और ब्रेड क्रम्ब में इसको कोट किया। कोट करने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा। ये देखिए मैंने अंडे और ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लिया था, उसको थोड़ी देर फ्रिज में रखा, फ्रिज में रखा। फ्रिज में रखने के बाद मैंने फिर उसको निकाल के 1/2 घंटा 1 घंटे के बाद मैंने निकाल के तेल में शैलो फ्राई कर रही हूँ।
और आँच बहुत तेज मत रखिएगा कि ऊपर से पक जाए और अंदर से ना पके। देखिए ये सब रेडी हो चुके हैं, मैं आपको उसको कट करके दिखाऊंगी। देखिए कैसी गर्म गर्म कबाब, उस पर से चीज़ मेल्टी चीज़ नज़र आएगी आपको। बनाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस दिन मेरे घर पे गेस्ट आए थे, उन्होंने जब इसको टेस्ट किया तो उनको बहुत मज़े की लगी। इसमें इसके साथ मैंने एक डिप सर्व की थी, जो मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। मायोनीज, चिली गार्लिक सॉस, थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट और क्रीम चीज़ डाल के मैंने इसकी डिप बनाई थी। बनाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।